तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, और उसके नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। ध्यान से पढ़ना पेपर में, सोप बबल आया है या फिर ड्रॉप आया है, दोनों का रिजल्ट डिफरेंट है। तो पहले हम करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। आप इमेजिन करें कि आपके पास एक लिक्विड का ड्रॉप है, ये आपका एक लिक्विड का ड्रॉप है। लिक्विड के ड्रॉप को, ऑब्वियस इसके अंदर लिक्विड ही है, लिक्विड के ड्रॉप को हर तरफ कौन प्रेस कर रहा है? पी एटमोस्फेयर, पी एटमोस्फेयर, पी एटमोस्फेयर दबा रहा है। इसके अंदर जो प्रेशर है वो पी इनसाइड है, जो हर तरफ रेडियली आउटवर्ड लगता है। रेडियली का मतलब रेडियस के साथ साथ सरफेस के साथ परपेंडिकुलर लगता है। तो ये क्यों लगता है, इसका आंसर भी दूंगा। तो ये अंदर का प्रेशर पी इनसाइड है, बाहर का प्रेशर पी एटमोस्फेयर है, तो अंदर का प्रेशर एटमोस्फेयर से बड़ा होता है। ये क्यों होता है ये भी आंसर दूंगा। अंदर का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से बड़ा होता है, जो भी इनका डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर का मतलब प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज एक्सेस प्रेशर। जैसे गैस में गॉज प्रेशर निकलता था, गैस का प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसमें एक्सेस प्रेशर निकलता है। अब लॉजिक समझते हैं इसका, ये हुआ क्यों और इसको करेंगे कैसे, एक्सेस प्रेशर क्यों हो रहा है। देखो प्रेशर, या मैं आंसर देने जा रहा हूं कि अंदर का प्रेशर एटमोस्फेयर से बड़ा क्यों होता है। इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन करें, बबल ने, ड्रॉप बाद में करते हैं, बबल ने, बबल से समझना ज्यादा ईजी है। एक बबल बना, अभी आपने वो एयर ब्लो किया, सोप का बबल बन गया। बबल के ऊपर कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं इसको समझते हैं। एक जब बबल बना, बबल को कौन दबा रहा है हर तरफ से? पी एटमोस्फेयर। तो बबल को एटमोस्फेरिक प्रेशर हर तरफ से क्या कर रहा है? प्रेस कर रहा है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरी चीज, सरफेस टेंशन डेवलप हो जाएगी बबल में। सरफेस टेंशन भी क्या करेगी, एरिया को बढ़ाती है कि कम करती है? कम करती है, एरिया कम करती है। वो भी चाहती है बबल क्या हो जाए, छोटा हो जाए। एटमोस्फेरिक प्रेशर भी क्या चाहता है, बबल क्या हो जाए, छोटा हो जाए। अब बबल क्या करेगा, बबल के अंदर तो एयर है, अब बबल अपने अंदर प्रेशर डेवलप कर लेगा आउटसाइड, बाहर की तरफ, ताकि वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो जाए, ताकि एटलीस्ट वो बाहर के प्रेशर को बैलेंस कर सके और कम से कम वो बर्स्ट ना हो जाए। तो जो अंदर का प्रेशर है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, बाहर। अंदर का प्रेशर बाहर एक्ट कर रहा है, और किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, पी एटमोस्फेरिक एंड प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। भाई दो प्रेशर दबा रहे हैं, एक प्रेशर बाहर की तरफ है, दो प्रेशर एक तरफ उसको छोटा कर रहे हैं, अंदर की तरफ लग रहे हैं, और एक प्रेशर बाहर लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर। तो यहां पर जो अंदर का प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। ये तो प्रूव बता दिया मैंने कि अंदर का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। अब मुझे ये बताना है कि कितना ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू बता सकूं, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। डेरिवेशन करने में 2 मिनट लगते हैं सिर्फ, कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको ऑलरेडी मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता रखा है। इमेजिन करें एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप में सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन ने इस ड्रॉप को थोड़ा सा छोटा कर दिया, क्योंकि वो एरिया को मिनिमाइज करेगी। कितना छोटा कर दिया, बाय एन अमाउंट ऑफ dr, छोटा हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये बड़ा हो जाए, बाय एन अमाउंट ऑफ dr, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। और वो वर्क डन जो मैं करूंगा वो स्टोर हो जाएगा इसमें, ड्रॉप में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे होगा। और जैसे ही वर्क डन करना बंद करूंगा वो वापस छोटा हो जाएगा, ऐसे ही हो रहा है। पर बबल जो ड्रॉप है वो तो इक्विलिब्रियम में हो जाता है ना, तो यानी कि अंदर और बाहर का वर्क डन एग्जैक्टली सेम हो जाता है। तो एक काम करते हैं, इमेजिन किया आपने कि पहले छोटा हो गया पर मैंने इसको बड़ा कर दिया, क्लियर है, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। तो आपने लिखना ऐसे ही है पेपर में, थोड़ा लिखना पड़ता है। एक स्फेरिकल ड्रॉप कंसिडर करें, सिग्मा सरफेस टेंशन लिखें, पी इनसाइड माइनस पी एटमोस्फेरिक को पी से रिप्रेजेंट करें, और पी का मतलब क्या है यहां पर, एक्सेस प्रेशर है। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या है यहां पर, पी इनसाइड माइनस पी एटमोस्फेरिक, जो कैसे एक्ट कर रहा है, रेडियली आउटवर्ड काम कर रहे। अब रेडियस बढ़ गया आर से, आर प्लस डेल्टा आर या डी आर, रेडियस बढ़ने का मतलब है वर्क डन हुआ, वो वर्क डन स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई वो कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया, सिग्मा इंटू इंक्रीज इन एरिया। सिग्मा इंटू इंक्रीज इन एरिया में क्या हुआ, पहले एरिया क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, अब एरिया कितना है, 4 पाई आर प्लस
dr का स्क्वायर, तो ये टर्म तो क्लियर है। अब वर्क डन निकाल लें, वर्क डन क्या होता है, f इंटू डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी भी ड्रॉप की, dr इंक्रीज हो गया, फोर्स किसने लगाई, एक्सेस प्रेशर ने लगाई बाहर की तरफ, एक्सेस प्रेशर बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है कितना, p इंटू कितने एरिया के ऊपर, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। तो यहाँ से ओपन किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, 4 पाई को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म कैंसिल हो गई, dr इज वेरी वेरी स्मॉल, dr का स्क्वायर तो बहुत ही छोटा है, कैन बी निगलेक्टेड, तो आपके पास सिर्फ ये टर्म बची, इधर से ये टर्म आ रही है, इधर से ये टर्म आई, dr से dr कैंसिल, 4 पाई से 8 पाई कैंसिल, आंसर एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला 2t बाय r या 2 सिग्मा बाय r। तो एक्सेस प्रेशर की डेरिवेशन आएगी कि ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर निकाला जाए, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने वर्क डन करवाना एक्सेस प्रेशर से और इंक्रीज इन एनर्जी करवा देनी है, बस ये स्टेप से आपके पास ये आंसर आएगा। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, पी इनसाइड माइनस पी एटमोसफेयर आंसर। अब यही क्वेश्चन अगर बबल में आ गया, सेम क्वेश्चन है, सोप बबल, सेम डायग्राम, सेम एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम, यहां फर्क, बबल के अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, तो अंदर भी सरफेस टेंशन है, बाहर भी सरफेस टेंशन है, तो दो फ्री सरफेस है। मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री सरफेस, फ्री सरफेस का मतलब कि लिक्विड के साथ एयर का कॉन्टैक्ट होना इज अ फ्री सरफेस। तो जैसे वो एग्जांपल किया था, लिक्विड के साथ यहाँ एयर, लिक्विड के साथ यहाँ भी एयर, जैसे लिक्विड बबल है, बबल के इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, बीच में पानी है, तो इधर भी सरफेस टेंशन है, अंदर भी सरफेस टेंशन है, तो रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू से, दो सरफेस टेंशन है, सारे बाकी सेम 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 सेम, एंड रिजल्ट भी टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर क्या आएगा, 4 सिग्मा बाय आर, ड्रॉप में 2 सिग्मा बाय आर क्योंकि एक फ्री सरफेस है, बबल के अंदर 4 सिग्मा बाय आर क्योंकि दो फ्री सरफेस है। अब ये ध्यान से पढ़ लेना पेपर में कि ड्रॉप की डेरिवेशन है या बबल की, बबल की है तो 2 आएगा, ड्रॉप की है तो 2 नहीं आएगा, बस इतना ही अंतर और कुछ नहीं है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है?